भोजपुरी जगत के उभरते हुए गायक पिंटू सिंह यादव अब तक 3 एल्बम पेश कर चुके हैं, लेकिन इस बार वो कुछ अलग करने के इरादे से अपना नया एल्बम लेकर आए हैं। दरअसल सावन के पवित्र महीने को देखते हुए शिव भक्ति के रंगों में रंगा पिंटू का नया एल्बम लवर संगे बोल बम लेकर हाजिर हुए हैं। अपनी एल्बम के बारे में पिंटू सिंह ने कहा, मैं गायक पिंटू सिंह यादव आप सभी भोजपुरी श्रोताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने नेक्स्ट 9 न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे पहले 3 एल्बम को आप सभी भोजपुरी दर्शक प्यार दुलार और आशीर्वाद दिए, उसी प्यार दुलार और आशीर्वाद के चलते हम आप लोगों के बीच कुछ ही दिनों में एक भोले बाबा का कांवर भजन लेकर आ रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे पिछले 3 एल्बम को आप अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद दिए, वैसा ही प्यार दुलार और आशीर्वाद इस एल्बम को भी दीजिए। शिव भक्ति के रंग बिखेरते हुए इस एल्बम के बारे में पिंटू ने बताया कि जिस तरह से उनके अब तक के गानों को श्रोताओं ने सराहा है, उसी तरह इस एल्बम के गानों को भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पिंटू ने अपनी एल्बम के एक गीत को गाकर भी सुनाया कि सावन में दे ले बाय हो फर हो चले ला जेकरा से चह कर हो, सावन में दे ले बाय हो फर हो चले ला जेकरा से चह कर हो, जय शिव बोल बम बोलत रह बाबा जी के नाम पर, कांवर लेके लवर संगे जाइब बाबा धाम हो, कांवर लेके लवर संगे जाइब बाबा धाम हो। इसके अलावा पिंटू ने बिहार की शिक्षा प्रणाली पर भी कटाक्ष करते हुए एक गाना तैयार किया है। काफी अलग तरह के इस गीत के बारे में पिंटू सिंह ने कहा कि ये गाना भी श्रोताओं को खूब पसंद आएगा। और इसी एल्बम के बावजूद मैंने एक बिहार पे गाना किया है, जो कि बिहार में एक शिक्षा प्रणाली पे एक करप्टेड टाइप कुछ केसेज आई थी, उस चीज़ के माध्यम से हमारे बिहार को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए बिहार की बदनामी को, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिहार में बहुत सारी प्रतिभाएँ भरी हुई है। तो बिहार को उस चीज़ में रिप्रेजेंट किया गया है कि बिहार से कितने लोग प्रतिभाशाली चीज़ें निकली थी वहाँ से और कहाँ तक आज जाके पहुँचे हैं। तो उस गाने के माध्यम से सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो नेक्स्ट 9 न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों के बीच में अपने एल्बम के बारे में जो भी चीज़ें शेयर की, आप लोग इस चीज़ को सुनिएगा, सपोर्ट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वाकई पिंटू सिंह ने जिस भाव भक्ति के साथ भोले बाबा की महिमा को अपने गानों के द्वारा दर्शाया है, उसे श्रोता जरूर पसंद करेंगे। पिंटू सिंह के इस गीत को आप YouTube के साथ ही अन्य वेबसाइट्स पर भी सुन सकते हैं।